नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर हम स्पेशल सेशन में आज यहां पर जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो बिल्कुल पास आने वाला है और आई होप आप सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, यहां पर इन ये जो सेशन होते हैं शाम को 6 से 7 बजे के आसपास, जो कि यहां पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लिए जाते हैं, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली एक टॉपिक को कवर करते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड मोड में यहाँ पर। और आज हमारा टॉपिक है जैनिज्म। इससे पहले कई सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर ऑलरेडी इस सेशन के अंदर इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे लास्ट जो टॉपिक था उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी रही है हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे इतिहास में, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जैसे कई सारे ब्रिटिश लॉज वगैरह, इन सभी चीज़ों को हम एक एक सेपरेट वीडियोज में की इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स कीवर्ड्स होते हैं उनको कवर कर चुके हैं। और आज यहाँ पर हम जैनिज्म को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बुद्धिज्म और फिर ऐसे करते करते सेपरेट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग और सेशन से जुड़ेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर सेशन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं। और अगर एग्जाम को देखें कि ये जो टॉपिक है जैनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ऑलरेडी कई बार हम देख चुके हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से प्रीलिम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछता है। और 2023 का क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने यहां पर है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लीजिए, जवाब अगर आपको इसका समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो जब देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जवाब अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2022 में भी जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तो मैंने 2 साल के क्वेश्चन डाले हैं, अगर आप इनसे भी पीछे के सालों में जाएंगे तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से लगातार क्वेश्चंस प्रीलिम के अंदर पूछते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहां पर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और जैनिज्म को यहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है। जैनिज्म को यहां पर स्टडी करते हैं, सभी दोस्त सेशन से जुड़ेंगे और क्योंकि यहां पर शुरुआत हो चुकी है। चलिए ठीक है, तो यहां पर अगर देखें, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी, आप में से जो भी दोस्त अगर कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी का क्या रोल है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेटली एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर करवाएगा ये बैच। और अगर आप यूपीएससी के अलावा और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है बिल्कुल यूपीएससी मोड में, तो आप यहां पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप मेरे साथ यहां पर पढ़ते हैं। और आपको इस बैच के अंदर एनरोल करने के लिए कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 66% ऑफ पर ये कोर्स यहां पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं एनसीईआरटी के वो आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बाकी अदर एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी का रोल आपको मिलता है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स के कोर्सेज का तो एक्सेस मिलता है, साथ में क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है। उसके अलावा आपको यहां पर जो आंसर राइटिंग सेशन है उनके एक्सेस मिलते हैं, साथ में सीसैट जो कि अलग से आपको बाकी जगहों पर लेना पड़ता है, यहां पर अलग से नहीं लेना पड़ता। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज का भी आपको एक्सेस यहां पर मिलता है। और अभी 50% डिस्काउंट कोर्सेज पे चल रहा है, इसमें एनरोल करने के लिए कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, उसके अलावा 50% ऑफ यहां पर कोर्सेज पे चल रहा है 2025 के, जिसके अंदर चाहे आप इंग्लिश का कोर्स लीजिए यानी कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, या फिर आप बाइलिंगुअल कोर्स लेंगे, तो यहां पर आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। और ये कोड लगाते ही 50% डिस्काउंट आपको कोर्सेज पर मिलता है। उसके अलावा 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनको हिंदी मीडियम में समस्या आती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हिंदी है या बाइलिंगुअल है उसमें समस्या आती है, तो यहां पर प्योर इंग्लिश बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है 2025 के लिए। सरमद मेहराज सर और बाकी जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहां पर आपको गाइड करेंगे, इनकी गाइडेंस में आप पढ़ते हैं। और यहां पर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश रहेगा और स्लाइड्स पर जो कंटेंट रहेगा वो भी इंग्लिश रहेगा। तो ये भी 50% डिस्काउंट यहां पर चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहां पर लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है जो कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए है। जी हां, बिल्कुल, यहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी भी रहेगा और कंटेंट भी हिंदी रहेगा, तो इसमें आप एनरोल करने के लिए कोड लगा सकते हैं SMK लाइव। हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए लक्ष्य बैच है, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं 2025 के लिए।
बिल्कुल बेसिक से जीरो से तैयारी आपकी करवाते हैं। उसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे क्रूशियल जो डिसीजन होता है वो आता है होता है आपका ऑप्शनल सिलेक्शन। तो अपने ऑप्शनल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं विद अपने ऑप्शनल को यहां पर बाकी जो ऑप्शनल्स हैं उनको एक बार स्टडी करके देख के। यहां पर सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको मल्टीपल ऑप्शनल्स का एक्सेस आपको मिलता है। कोड लगाना होगा SMK लाइव और आप यहां पर मल्टीपल ऑप्शनल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं और अपना डिसीजन इन्फॉर्म तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे जैनिज्म की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी हमें पढ़नी है, या फिर आप कह लीजिए जैन धर्म में जिस प्रकार की फिलॉसफी, जिस प्रकार की मान्यताएं, जिस तरह के मूल्य, जिस तरह की टीचिंग्स यहां पर जैन धर्म में फॉलो की जाती है उसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और ऐसे ही बुद्धिज्म को भी हम स्टडी करेंगे। अगर बात करें यहां पर जैन धर्म को, हम वैसे अगर बात करें भारत में जैन धर्म की उत्पत्ति कब से हुई ये चीज किसी को नहीं पता। जैसे अगर बात करें बुद्धिज्म की, अगर बात करें तो कहते हैं बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, जब गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की उसके बाद उपदेश दिए, धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, जब गौतम बुद्ध ने उपदेश देने शुरू करे तब वहां से बुद्धिज्म की शुरुआत मानी जाती है कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की शुरुआत की। लेकिन जैसे सनातन धर्म में बोलते हैं कि भाई अगर बाल बोले हिंदू धर्म और वैदिक धर्म की, यहां पर जानकारी नहीं मिलती है कि भाई कितना पुराना है, तो इसीलिए कहते हैं कि जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति ने स्थापना की, या कौन सा एक ग्रंथ कोई ऐसा है जो कि डिफाइन करता हो पूरे धर्म को, या फिर यहां पर कौन से व्यक्ति ने जानकारी की, किस समय में हुई, ये कोई जानकारी नहीं है। बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है एज अ वे ऑफ लाइफ। उसके अलावा और कई सारी मान्यताएं, फिलॉसफीज आपको हिंदू धर्म के अंदर भी, या फिर जिसको हम वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, सनातन धर्म भी कहा जाता है, उसमें आपको देखने को मिलेंगी। एक से ज्यादा विचारधाराएं, मान्यताएं, टीचिंग्स आपको मिलती हैं। उसी तरह से जैन धर्म के अंदर भी यहां पे ये नहीं पता चलता कि कौन कौन इसका संस्थापक है और कहां से शुरू हुआ, कौन सा वो टाइम है जब ये शुरुआत हुई। तो यहां पर हम जैन धर्म को जब हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म के साथ, तो कई बार बच्चे इस चीज को कंफ्यूजन के रूप में ले लेते हैं कि क्योंकि गौतम बुद्ध के साथ साथ जो भगवान महावीर थे उनको एक साथ पढ़ते हैं, कि भगवान महावीर जो है और गौतम बुद्ध वो एक समय में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। तो जब एक साथ पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे इस चीज को कंफ्यूजन के रूप में ले लेते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की स्थापना की तो हम भगवान महावीर को गौतम बुद्ध के साथ पढ़ते हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि भगवान महावीर ने जैनिज्म की स्थापना की होगी या जैन धर्म भगवान महावीर के साथ शुरू हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। हालांकि गौतम बुद्ध के साथ उनका एग्जिस्टेंस था तो इसलिए हम एक समय में एक फेज में साथ साथ उनको पढ़ते हैं। काफी लंबा अच्छा खासा प्रचार प्रसार जैनिज्म का भगवान महावीर के जमाने में होता है, इसलिए भगवान महावीर के टाइम से हम जैनिज्म को स्टडी करते आते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें यहां से मिलने लगते हैं। तो अगर बात करें जब गौतम बुद्ध का जमाना था यानी कि 6th century BC, यहां से हम अगर देखें तो भारत के अंदर कई सारी धार्मिक मान्यताएं, कई सारी फिलॉसफीज भारत के अंदर पैदा होती हैं। जैसे बुद्धिज्म वहां पे उस जमाने में पैदा होता है, आजीविका संप्रदाय इस जमाने में देखने को मिलता है, बाद में और अन्य कई फिलॉसफीज, चार्वाक। उसके अलावा वैदिक धर्म में भी कई प्रकार की फिलॉसफीज यहां पर और जन्म ले रही होती हैं। वेदों के अलावा बाद में जो वेदों की एक्सप्लेनेशन है अलग अलग तरीके से, वो भी यहां पर शेप ले रही होती है। हिंदू फिलॉसफी के अंदर जो षट दर्शन का प्रिंसिपल है वो भी यहां पर धीरे धीरे उपनिषद वगैरह से निकलता हुआ वो भी शेप ले रहा होता है। तो भारत के अंदर हिंदू धर्म यानी कि वैदिक धर्म, उसके अलावा यहां पर और भी कई सारी विचारधाराएं पनप रही होती है। बताया जाता है ये जो समय था 6th century BC यानी कि कब की बात कर रहा है, 500 BC से 599 BC के जमाने की बात कर रहा है। बताया जाता है कि भारत में इस जमाने में लगभग 62 के आसपास विचारधाराएं, संप्रदायें या फिलॉसफीज पनप रही थी, शेप ले रही थी। बहुत अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, विचारधाराएं, फिलॉसफीज आपको मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी खो गई। ठीक है, उनके संस्थापक हमें नहीं पता कौन है, कुछ यहां पर बची हैं जिनको हम पढ़ते हैं। जैसे बुद्धिज्म को हम यहां पर पढ़ते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर वो विचारधारा फैली, वो फिलॉसफी फैली। उसके अलावा आजीविका एक संप्रदाय है जिसको सब जानते हैं, वो भी फैली, लेकिन आज आजीविका आपको लगभग 0 फॉलोअर्स के आपको देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिलोसफीज थी जिनको प्रिजर्व नहीं किया जा सका, बहुत बड़े स्तर पर उनके ग्रंथ नहीं लिखे गए, उनके फॉलोअर्स नहीं हुए, तो इसलिए वो समय के साथ खो गई वो सारी फिलोसफीज। लेकिन यहाँ पर कुछ बचती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। जैन फिलोसफी जो थी, जैन धर्म की विचारधारा, इस जमाने में वो भी रफ्तार पकड़ती है, हालांकि बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन भगवान महावीर के जमाने में बिल्कुल इसी समय में जैन धर्म की विचारधारा भी फैलती है। जैन धर्म के अंदर भी नए फॉलोअर्स जुड़ते हैं, कई शासक जो है जैन धर्म को संरक्षण देते हैं, कई शासक जैन धर्म को अपनाते भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ये आगे देखेंगे। तो जिन धर्मों को, जिन फिलोसफीज को शासकों का संरक्षण मिला, वो फैली भी, वो सुरक्षित भी रही, वो प्रिजर्व भी हुई, और फिर आगे आज के जमाने में हम उन्हें जानते हैं। जैसे जैन धर्म को कई शासकों ने संरक्षण दिया, बुद्धिज्म को भी कई शासकों ने संरक्षण दिया, जिसमें सम्राट अशोक हम जानते हैं, उसके बाद और भी कई शासक आते हैं जो बुद्धिज्म को समर्थन देते हैं। उसके अलावा हिंदुइज्म को कई शासकों ने संरक्षण दिया, तो वो भी बचा रहा, चलता रहा आगे। ऐसे ही आजीविका को भी संरक्षण कुछ शासकों ने दिया, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलता रहा। तो यहाँ पर ये जो समय है, इस समय जैनिज्म, क्योंकि पुरानी विचारधारा थी, पुरानी फिलॉसफी थी पहले से ही इस जमाने में, लेकिन पॉपुलर होती है क्योंकि ये समय ही ऐसा था, काफ़ी विचारधाराएं यहाँ पर शेप ले रही थी, पनप रही थी और फैल रही थी, ठीक है। और ये जो विचार हैं, जैनिज्म की फिलॉसफी, बुद्धिज्म की फिलॉसफी, इनको कहा जाता है हेटरोडॉक्स आइडियोलॉजी। अगर बात करें यहां पर फिलोसफीज की भारत के अंदर, ठीक है, या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें, ठीक है, या फिर सेक्ट, या फिर धर्म की बात करें, ठीक है, या फिर रिलीजियंस की बात करें, ठीक है, फिलोसफीज कह लीजिए या रिलीजियंस कह लीजिए, भारत के अंदर मुख्य तौर पर आपको इस जमाने में दो तरह के कैटेगरी में मिलेंगे जो रिलीजियंस थे। एक जिनको कहा गया ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स, ठीक है, या फिलोसफीज, एक जिनको कहा गया हेटरोडॉक्स, हेटरोडॉक्स फिलोसफीज। ऑर्थोडॉक्स जो थे, ये वो स्कूल ऑफ फिलोसफी था जो कि विश्वास रखता था किसके अंदर, वेदों में, यानी कि वेदों में अगर आस्था है तो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप ऑफ फिलोसफी उनको कहा गया। वेदों में आस्था है तो इसलिए यहां पर आस्तिक स्कूल भी कहा गया, ठीक है, आस्तिक स्कूल भी कहा गया। और जिन फिलोसफीज की, जिन आइडियोलॉजीज की अगर वेदों में आस्था नहीं है तो उनको हेटरोडॉक्स या फिर नास्तिक फिलोसफीज कहा गया, ठीक है। तो आस्तिक फिलोसफीज में वो सारी विचारधाराएं आ जाएंगी जो कि वेदों से अपनी मेन आइडियोलॉजी को ड्रॉ करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर आपको वेद तो मिलेंगे ही, उसके अलावा आपको ब्राह्मण्स मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, ठीक है, वेदांग मिलेंगे, अरण्यक मिलेंगे, जो भी फिलॉसफी आती है जितनी भी, वो सब यहां पर आ जाएंगी। उसके अलावा हेटरोडॉक्स में आपको कौन मिलेंगे जो वेदों में विश्वास नहीं रखती हैं, जैसे कि यहां पर बुद्धिज्म वेदों की अथॉरिटी में विश्वास नहीं रखती है, जैनिज्म भी वेदों की अथॉरिटी में विश्वास नहीं रखती है। तो इसलिए यहां पर हम इन दो बेसिकली फिलोसफीज को पढ़ते हैं, जिसमें जैनिज्म यानी कि नास्तिक स्कूल में आएगा, हेटरोडॉक्स के अंदर आएगा। तो हेटरोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट इस जमाने में जो चली, उसका एक पार्ट आपको देखने को मिलता है। कहा जाता है कि आखिर कारण क्या थे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इस जमाने में पैदा ही नहीं हुआ बल्कि पनपा भी। जैसे जैनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इस जमाने में क्यों फैलता है, बाकी संप्रदाय भी क्यों फैलते हैं? तो कहा जाता है क्योंकि वैदिक रिलीजन जो पहले से चलता आ रहा था, लगभग 1500 से 1000 BC का जो समय है, इस जमाने में ऋग्वेद लिखे गए और इसे ऋग्वैदिक सोसाइटी कहा जाता था। 1000 BC से 600 BC का जो जमाना है, इस जमाने को लेटर वैदिक समय कहा जाता था। बाकी के 3 वेद इस जमाने में लिखे गए और सोसाइटी और समाज जो था इस जमाने में, और चलते चलते अगर आए तो यहां से और अगर आप चलते आएंगे 500 से 599 BC के जमाने में, सोसाइटी जो थी वैदिक धर्म के हिसाब से जो चल रही थी, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सोसाइटी चलते चलते सोसाइटी में कई प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन आ चुके थे, सोसाइटी के अंदर कई प्रकार के अंधविश्वास आ चुके थे, बड़े स्तर पर बलि दी जाती थी जानवरों की। इन सभी चीजों की वजह से यहां पर समाज जो था, पूजा पद्धति जो थी, सोसाइटी एज ए खुद काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। तो सोसाइटी बेसिकली दो स्तर पर कॉम्प्लेक्स हुई, एक समाज एज ए होल यानी कि वर्ण व्यवस्था, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब। उसके अलावा पूजा पाठ का जो तरीका था वो भी काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, और वहां पर भी खास प्रकार के एक, जैसे अगर बोले समाज में कुछ खास ग्रुप का ही वहां पर वर्चस्व आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से
पूजा पद्धति और समाज एज ए होल कॉम्प्लेक्स हो गया। यहां पर आपको रिचुअल्स में ब्राह्मण वर्ग का आपको बेसिकली डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी यहां पर जो क्षत्रिय वर्ण था उसका यहां पर रिवोल्ट के रूप में, उसके रिबेलियन के रूप में, उसके विद्रोह के रूप में देखा जाता है कि नई आइडियोलॉजीज पैदा होती है, क्योंकि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध खुद क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह की थी कि यहां पर वही वाली बात जिसके अंदर हमने बात करी कि यहां पर कि क्षत्रिय जो वर्ण था वो रूलिंग क्लास थी, उसके अलावा वैश्य जो थे वो ट्रेडिंग और प्रोडक्शन करने वाली क्लास थी। तो व्यापार करने वाले लोग समाज में तीसरे नंबर पर समझे जाते थे, क्षत्रिय जो कि रूलिंग क्लास थी वो समाज में दूसरे नंबर पर समझे जाते थे। तो ऐसे में ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो हायरार्की बनी थी, इसकी वजह से यहां पर भी ये माना जाता है कि ये रिवोल्ट के रूप में देखा जाता है नई फिलोसफीज का आने को। अब अगर जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म, जैसे कि हमने बात करी, ये धर्म पहले से काफी पुराना है। जैसे अगर बात करें टोटल जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, 24, और भगवान महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। यानी कि गौतम बुद्ध के साथ हम जब भगवान महावीर को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। उनसे पहले 23 तीर्थंकर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब आप कहेंगे क्या सर हमें सबके नाम पता होने चाहिए, तो आपको यहां पर कुछ जो तीर्थंकर हैं उनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बार बार आपसे सिर्फ भगवान महावीर के बारे में ही नहीं पूछेगा, कभी पेपर में थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाके आपसे पूछ सकता है, आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि वो चेक करेगा कि आपने भाई चीजों को ध्यान से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो भगवान महावीर आखिरी तीर्थंकर थे, तो आखिरी तीर्थंकर को याद कर लीजिए, उसके अलावा सेकेंड लास्ट याद कर लीजिए और 22वें, तो आखिरी के 3 याद कर लीजिए और शुरू के 3 याद कर लीजिए, ठीक है, बीच में एग्जामिनर ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि लॉर्ड ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब तीर्थंकर क्या होते हैं ये भी आपको चीज समझ आएगी। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म के अनुसार सुप्रीम ज्ञान की प्राप्ति करी, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति करी, यानी कि एनलाइटनमेंट हुआ, जिनको ज्ञान का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान की प्राप्ति जिन महापुरुषों ने की जैन धर्म के अंदर, हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो लॉर्ड ऋषभ जो देव थे ये पहले तीर्थंकर जैन धर्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका जो सिंबल है वो है ऑक्स यानी कि बैल। दूसरे जो तीर्थंकर हैं लॉर्ड अजीनाथ, जिनका सिंबल आपको मिलेगा हाथी। तीसरे तीर्थंकर हैं वो है संभवन, जिनका आपको सिंबल जो मिलेगा वो मिलेगा घोड़ा। आप सिर्फ सिंबल याद रखना है तो लॉर्ड ऋषभ देव का सिंबल जरूर याद रखिए। ठीक है, तो शुरू के 3 तीर्थंकर आपको पता होने चाहिए, उसके अलावा आखिरी के 3 तीर्थंकर पता होने चाहिए कि आपको नेमिनाथ जो है 22वें तीर्थंकर मिलते हैं, उसके अलावा पार्श्वनाथ आपको 23वें तीर्थंकर मिलते हैं, और फिर भगवान महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर दिखते हैं। पार्श्वनाथ आपने नाम कई बार सुना होगा, तो भगवान पार्श्वनाथ जो है ये 23वें जैन तीर्थंकर आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से आप एक तो भगवान महावीर का और लॉर्ड ऋषभदेव यानी कि भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर, इन दोनों के आप सिंबल जरूर याद रखिए, पेपर में पूछ लेगा किसी दिन, तो एलिमिनेट करने में आपको यहां पर बेसिकली हेल्प हो सकती है। सबके सिंबल याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ अगर पूछेगा तो 2 कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के आपको सिंबल याद होने चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें, हमने जैसे बोला कि जैन धर्म के अंदर उत्पत्ति कब हुई हमें नहीं पता, और यह बात कैसे कंफर्म होती है, यह बात ऐसे कंफर्म होती है कि यजुर्वेद जो कि एक वेद है, कौन सा वेद है, 3रे नंबर का वेद है। वैदिक संस्कृति के अंदर 4 वेद हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन 4 वेदों से मिलकर ही वैदिक संस्कृति बनती है, बाद में इनके आधार पर कई ग्रंथ और लिखे गए, ठीक है, जो कि फिर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफीज में आ जाएंगे। यजुर्वेद जो कि 3रा वेद आपको मिलेगा, वेद संहिता भी इनको कहते हैं, इसके अंदर आपको लॉर्ड ऋषभदेव का जिक्र मिलता है और भगवान अजीनाथ का भी जिक्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर और जो जैन साधु का जिक्र मिलता है वो है अरिस्तनेमी का भी आपको जिक्र यहां पर मिलता है। तो यजुर्वेद के अंदर जिक्र मिलता है, पहली इस चीज को याद रखेंगे, पेपर में किसी दिन आपसे पूछ लेगा, कहेगा ऋग्वेद में हमें भगवान ऋषभदेव का जिक्र मिलता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यजुर्वेद के अंदर आपको जिक्र मिलता है किनका, लॉर्ड ऋषभदेव का जिक्र आपको यजुर्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है, तो वैदिक
ग्रंथों में भी आपको जैन धर्म के जो गुरु हैं उनका आपको जिक्र देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कभी आपसे बोल दे कि भाई पर्टिकुलर इस जमाने में, ठीक है 700 BC में या 8000 BC में बोल दे कि जैन धर्म की जो थी स्थापना हुई थी ऐसे ऐसे, तो वो स्टेटमेंट फिर गलत होगी क्योंकि ये बात किसी को कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके अलावा शब्द यहां पर कुछ लिखे हैं, अरिहंत, केवलिंस, ठीक है, सिद्धास, ठीक है, गणधर और सल्लेखाना, इनका मीनिंग जानते हैं क्योंकि जैनिज्म के अंदर या फिर बुद्धिज्म पे या फिर इतिहास में कहीं से भी क्वेश्चन जब पूछता है पेपर में तो वो कीवर्ड बनाकर क्वेश्चन जरूर पूछता है। बड़ा मजा आता है एग्जामिनर को कीवर्ड पे क्वेश्चन पूछने में। तो यहां पर ये कुछ जो की टर्म्स हैं जैन धर्म से जुड़ी हुई, इनके आपको मीनिंग पता होने चाहिए। कुल मिला के अगर बात करें, अरिहंत और जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। जैसे भगवान महावीर ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो जो भी जैन धर्म के अंदर जो भी महापुरुष ज्ञान की प्राप्ति करता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो इसलिए एक शब्द और का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उन्हें कहा जाता है जितेंद्रिया, जितेंद्रिया। तो जितेंद्रिया और फिर इसको फिर जीन भी कह देते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। उनको अरिहंत भी कहा जाता है, ठीक है, केवलिंस भी कहा जाता है। केवलिंस का मतलब है कि भाई केवल ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जैन धर्म के अंदर जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया जाता है किसी भी जो महापुरुष जो होते हैं, फिर उनको तीर्थंकर, केवलिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति ये कर लेते हैं, ठीक है, कैवल्य ज्ञान की, कैवल्य ज्ञान या फिर सिर्फ कैवल्य भी लिखा हो तो उसका मतलब ही वही है। कैवल्य या फिर कैवल्य ज्ञान लिखा हो एक ही मतलब है, यानी कि इनफाइनाइट नॉलेज की प्राप्ति कर चुके हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है कि आखिरी जो आखिरी गोल है, सुप्रीम गोल है, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब होता है जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकल जाना, बार बार जन्म लेकर धरती पे आना। इस तरह की मान्यता है कि बार बार जन्म लेकर धरती पे आते हैं, दुख भोगते हैं, इस तरह की। तो मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से आप बाहर निकल जाते हैं। हिंदू फिलोसफी के हिसाब से जो सुप्रीम गोल है वो ये होता है। बुद्धिज्म के हिसाब से जो आखिरी जो गोल होता है, सबसे बड़ा सुप्रीम गोल होता है, वो होता है कि निर्वाण की प्राप्ति करनी है, यानी कि निर्वाण प्राप्त करना है। और निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का त्याग हो जाना, यानी कि जिस व्यक्ति ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली उसका मतलब है कि इच्छाओं का त्याग हो चुका है। और जब इच्छाओं का त्याग हो गया तो आपके अटैचमेंट्स खत्म हो जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, और एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। बुद्धिज्म इस बात पे चलता है। और जैनिज्म के अंदर ज्ञान का मतलब है, ज्ञान की प्राप्ति करने का मतलब है सुप्रीम नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ठीक है। तो तीनों में लगभग सबकी सिमिलैरिटी आपको दिखेंगी, सबका एक अल्टीमेट गोल होता है, चाहे हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, ठीक है। हिंदुइज्म के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाण की प्राप्ति करनी है, और जैनिज्म के हिसाब से कैवल्य ज्ञान या फिर कैवल्य की प्राप्ति करनी है, इसलिए केवलिंस भी कहा जाता है। सिद्धास, जिनकी सोल लिबरेट हो जाती है, ठीक है, जो अपने सभी जो फाइनल लिबरेशन जिनका हो जाता है, तो आप इसमें भी यही कह सकते हैं, कहता है कि अल्टीमेटली, और अरिहंत और तीर्थंकर जो है उनको सिद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। सिद्धि की प्राप्ति हो गई, सिद्धास बन चुके हैं, यानी कि जिनकी सोल, जिनकी आत्मा जो है उसकी मुक्ति हो चुकी है, लिबरेशन उनको मिल चुका है उनकी आत्मा को, तो उनको सिद्ध भी कहा जाता है। तो केवलिन हो, अरिहंत हो, जीन हो, जितेंद्रिया हो, सिद्धास हो, मतलब एक ही है, ठीक है, सबका मतलब एक ही है। अब यहां पर पूछता है गणधर, एक शब्द आपको मिलेगा, गणधर का मतलब क्या होता है? गणधर का मतलब होता है ये वो शिष्य हैं, ये वो डिसाइपल्स हैं जो कि किसी तीर्थंकर के इमीडिएट शिष्य होते हैं। ये याद रखना, ये शब्द यहां पर गणधर का मतलब जैन धर्म के अंदर शिष्य होना, इसका मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म के अंदर शिष्य होना। ये कहता है प्राइमरी डिसाइपल्स ऑफ तीर्थंकर्स, यानी कि जो भी कोई तीर्थंकर है उनके बिल्कुल इमीडिएट जो शिष्य हैं उन्हें गणधर कहा जाता है। जैसे भगवान महावीर हैं, उनके जो बिल्कुल ऐसे शिष्य होंगे जिनसे वो बैठ के बातचीत करते होंगे, जिनको शिक्षा दीक्षा देते होंगे, वो लोग हैं गणधर। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म के अंदर कोई भी किसी भी गुरु का शिष्य बन गया तो वो गणधर कहलाएगा, जी नहीं, एक तीर्थंकर के इमीडिएट जो शिष्य होंगे उनको गणधर कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। गणधर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गणधर वो लोग हैं जिन्होंने तीर्थंकर का ज्ञान सुना है, किसी गुरु का ज्ञान सुना है, किसी महापुरुष का जिनको जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो जो गणधर है वो क्या है? ज्ञान का सोर्स है,
उन्होंने ज्ञान सुना है वो लोग क्या करेंगे, उनके ज्ञान को प्रिजर्व करेंगे, आगे चल के वो किताबें वगैरह ग्रंथ जो है कंपाइल जो करेंगे वो शिष्य लोग करते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो आपको बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी धर्म हो, वहां पर जो भी महापुरुष हुए, जो सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने तो अपना ज्ञान बस बोल दिया। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने अपना ज्ञान बोल दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आज से इस धर्म की स्थापना कर रहा हूं। वो तो उनके शिष्य जो होते हैं उनके ज्ञान को कंपाइल करते हैं, उनके ज्ञान को लिखते हैं किताबों में और फिर आगे उसको प्रिजर्व करते हैं, और शिष्यों की वजह से ही ज्ञान आगे प्रिजर्व होता है। ठीक है, तो ग्रंथधर इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और यहां पर शब्द आपको मिलता है जिसमें लिखा है संलेखाना या फिर संथारा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगा कि समहेलना, ठीक है, समहेलना भी लिखा होगा। तो समहेलना लिखा हो, संलेखाना हो या संथारा हो, इस शब्द का मतलब क्या है? जैनिज्म के अंदर यहां पर ये जो एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर जो भी कोई जैन धर्म में बहुत ऑस्टेरिटी यानी कि बहुत कठोरता से जीवन को चलाता है, लास्ट में जब वो चाहते हैं कि अपनी इच्छा से अपने प्राण को त्याग दिए जाएं, तो ऐसे में संलेखाना प्रैक्टिस किया जाता है। ये ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति भूखा प्यासा रहता है और समाधि में लीन होकर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो ये कहा जाता है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर प्राण त्याग दिए जाते हैं, तो इसे संलेखाना कहा जाता है या फिर संथारा कहा जाता है या समहेलना। कहीं पर आपको शब्द दिख जाए तो सबका मतलब एक ही है, तो पेपर में आपसे पूछ सकता है, इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे। ठीक है, इन कीवर्ड को याद रखेंगे। अब आप कुछ चीजें जैनिज्म के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि भाई जैन धर्म जो है ये कैसे, इसका शब्द कहां से निकलता है। जैन का शब्द जो निकलता है जीन से निकलता है। जीन का मतलब कॉन्करर, किस चीज का विजेता, जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली, वहां से ये शब्द निकलता है। जैन धर्म जो है ये नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट से आता है, यानी कि वेदों की अथॉरिटी में विश्वास नहीं रखता है, तो नास्तिक परंपरा से आने वाला एक आपको धर्म देखने को मिलता है। और उसके अलावा यहां पर कहा जाता है कि ये जो धर्म है, ठीक है, इसमें कई तीर्थंकर पहले हो चुके हैं लेकिन खूब प्रचार प्रसार होता है, फैलता है धर्म कब, लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर के जमाने में, यानी कि गौतम बुद्ध के जमाने में जैन धर्म भी काफी ज्यादा फल फूल रहा था, फैल रहा था। ठीक है, उसके अलावा यहां पर तीर्थंकर कौन लोग होते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तीर्थंकर का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है फोर्ड मेकर, किले की किले बनाने वाला। अब ये इस तरह से कहा जाता है कि नदी के आपको नदी पार कराने के लिए किला बनाने वाला जो व्यक्ति है वो तीर्थंकर है। किस प्रकार की नदी, जीवन रूपी नदी, इस तरह के यहाँ पर फिलोसफी से जो शब्द है फोर्ड मेकर ये निकलकर आता है। ठीक है, तो बेसिकली कौन होते हैं तीर्थंकर, तीर्थंकर स्पिरिचुअल लीडर जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ऐसे महापुरुष। ठीक है, और एक तरह से आप इनको धर्म गुरु भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको बेसिकली ये कुछ नाम पता होने चाहिए, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहां पर अगर आप बात करें, यहां पर कहता है कि पंच कल्याणक की बात करता है। ठीक है, पंच कल्याणक की बात करता है। ये पंच कल्याणक क्या है, पेपर में आपसे पूछ सकता है, पंच कल्याणक आपको इनमें से कौन से धर्म से जुड़े हुए मिलते हैं। हिंदुइज्म बोल देगा, जैनिज्म बोल देगा, उसके अलावा बुद्धिज्म बोल देगा, या फिर कोई और चौथा और भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए पंच कल्याणक जो है ये पांच ऐसे इवेंट है जो किसी तीर्थंकर के जीवन से जुड़े हुए होते हैं, उनको यहां पर पंच कल्याणक कहते हैं। जैसे कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक या फिर निर्वाण कल्याणक, यानी कि किसी भी जो तीर्थंकर है उनके जीवन के इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं उसको दर्शाने वाले ये आपको कल्याणक मिलेंगे। जब तीर्थंकर की सोल डिपार्ट होती है फ्रॉम इट्स लास्ट लाइफ और उनकी माता के गर्भ में जाकर प्रवेश करती है, यानी कि गर्भ कल्याणक का मतलब है कि ये बता रहा है कि किसी तीर्थंकर का जन्म आखिर कैसे हुआ। भाई पिछले जन्म में से आत्मा निकली और माता के उनके गर्भ में प्रवेश कर गई, जब वहां पर आपको बच्चा आपको गर्भ में देखने को मिलता है, तो गर्भ कल्याणक बताता है बिल्कुल बर्थ कैसे हुआ। जन्म कल्याणक कि यहां पर तीर्थंकर जो है अब उनका जन्म हो चुका है। दीक्षा कल्याणक कि जब यहां पर सोल गिव्स अप, जो जब कोई भी तीर्थंकर है जब अपने नॉर्मल जीवन को चला रहे थे उसको त्याग देते हैं और अब ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, उसको दीक्षा कल्याणक कहा जाता है। केवल ज्ञान कल्याणक यानी कि जब जो तीर्थंकर अभी तीर्थंकर नहीं थे ज्ञान की जैसी प्राप्ति हो गई तो इसको बोलेंगे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान कल्याणक यानी कि अब वो तीर्थंकर फाइनली बन चुके हैं। उसके अलावा
निर्वाण कल्याण, ठीक है, यानी कि यहाँ पर उनकी जो सोल है वो लिबरेट हो चुकी है और यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि शरीर को त्याग चुके हैं, शरीर को त्याग चुके हैं, जीवन का आखिरी समय आ चुका है बिल्कुल, और इसे कहा गया कि यहाँ पर सिद्ध बन जाते हैं, आत्मा शरीर से निकल चुकी है और फिजिकल स्टेट से वो निकल कर आत्मा वाली स्टेट में चले गए, इसे कहा गया कि निर्वाण कल्याणक। तो आपको पंच कल्याणक कौन से धर्म में है यह आपको पता होना चाहिए। तो जैन धर्म के बारे में कुछ बेसिक बातें हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि आखिर जैन धर्म क्या है, कौन से मोटे मोटे कीवर्ड हम समझ चुके हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई भगवान महावीर जो है उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करा गौतम बुद्ध के जमाने में, लगभग 500 BC का जो जमाना है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे भगवान महावीर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, चौथे तीर्थंकर है। तो इनका बर्थ जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में या फिर अन्य एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। कहता है कि भाई बताएंगे जन्म कब हुआ, तो कहता है कि 540 BC में कुंदल ग्राम के अंदर यहां वैशाली में, नियर वैशाली, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। वैशाली जो है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैशाली कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के अंदर 16 महाजनपद होते थे इस जमाने में, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के जमाने में 16 महाजनपद में से कौन से महाजनपद की कैपिटल वैशाली हुआ करती थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि जंत्रिया, ठीक है, जंत्रिका ट्राइब के मुखिया थे, यानी कि एक क्षत्रिय ट्राइब थी जिसके मुखिया, यानी कि रूलिंग क्लास की ट्राइब थी, उसके आपको फादर इनके हेड दिखेंगे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ गौतम, और यहां पर भगवान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, तो ये चीज याद रखेंगे। उसके अलावा इनकी मदर का, जो इनकी माताजी का नाम था, उनका नाम था त्रिशला, और भगवान महावीर की जो माताजी थी ये एक प्रिंसेस थी, यानी कि राजघराने से आने वाली महिला थी। कौन सी प्रिंसेस थी, लिच्छवी ट्राइब से आने वाली जो शासक थे उनकी बहन थी, लिच्छवी शासक जो थे उनका नाम था चेतक, ठीक है। तो आपको वैशाली के अंदर ही लिच्छवी ट्राइब मिलेगी जिसके राजा थे चेतक, और चेतक जो राजा थे उनकी बहन थी त्रिशला, जिनका विवाह सिद्धार्थ से हुआ था जो कि भगवान महावीर के पिताजी थे। तो भगवान महावीर की जो माता जी थी, इनके मामा जी कौन थे, चेतक लिच्छवी ट्राइब के आपको शासक देखने को मिलेंगे, और चेतक जो थे, चेतक की जो बेटी थी उनका नाम था चेलन्ना, चेलन्ना जो थी ये चेतक की बेटी हुआ करती थी, और चेलन्ना का विवाह जो हुआ था वो बिंबिसार से हुआ था, बिंबिसार से, और बिंबिसार कौन थे, ये उस जमाने के सबसे पावरफुल शासक, साम्राज्य मगध के साम्राज्य के शासक थे बिंबिसार जो थे, मगध में हरियंका डायनेस्टी थी उसके शासक थे। मगध अपने जमाने में 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद मगध उस जमाने में हुआ करता था, जिसके शासक थे बहुत पावरफुल बिंबिसार। बिंबिसार का विवाह हुआ था चेलन्ना से, चेलन्ना कौन थी, भगवान महावीर के मामा जी की बेटी। तो भगवान महावीर के मामा जी की बेटी का विवाह मगध के साम्राज्य के शासक से हुआ था। तो इससे ये पता चलती है कि बात सीधी सीधी कि भगवान महावीर जो थे इनके डायरेक्ट संबंध थे किससे, उस समय के सबसे पावरफुल साम्राज्य मगध साम्राज्य से। तो पेपर में आपसे इस तरह की स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि भाई मगध साम्राज्य से डायरेक्ट लिंक थे, ये बात आपको यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो वाइफ थी इनका नाम था यशोदा, तो अच्छा खासा गृहस्थ जीवन बिताया, वाइफ थी भगवान महावीर की, और उनकी उनसे इनको एक बेटी भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, ठीक है। तो प्रियदर्शना भगवान महावीर की बेटी थी। उसके बाद यहां पर भगवान महावीर 30 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 30 अपना गृहस्थ जीवन, बसा बसाया जो जीवन था और एक रूलिंग क्लास से आते थे उसे छोड़कर निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में, और 12 साल तक भटकने के बाद, तपस्या कठोर करने के बाद, इनको यहां पर साल के पेड़ के नीचे, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान की, कैवल्य ज्ञान की। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे उनको कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ऋजुपालिका नदी के तट पर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे बताएंगे गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई जब बाहर निकले ज्ञान की प्राप्ति में तो कहीं पे भी तपस्या करके सीधा बैठने लग गए जंगलों में, पहले टीचर्स के पास गए, ऐसे ही आपको टीचर्स के पास गौतम बुद्ध भी जाते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर अलारा कलाम, अलारा काम जो थे ये गौतम बुद्ध के भी टीचर आपको देखने को मिलेंगे और भगवान महावीर के भी टीचर देखने को मिलेंगे। तो अलारा काम कौन थे, ये गौतम बुद्ध और भगवान महावीर
दोनों के टीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखेंगे, पेपर में पूछ लेगा कभी आपसे स्टेटमेंट बना के कि अलारा काम ये जो थे हिस्ट्री में, विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस द नेम अलारा काम कम्स, ठीक है, किस रेफरेंस में अलारा काम शब्द जो है ये या फिर ये नाम जो है ये इस्तेमाल होता है। तो बताएंगे ये टीचर हुआ करते थे गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के। उसके अलावा इनके टीचर में और नाम है उद्रक रामपुत्र भी इनके टीचर हुआ करते थे। उसके अलावा यहां पर पहला जो उपदेश दिया पावा यानी कि पावापुरी में दिया, जो डेथ हुई वो भी इनकी आपको पावापुरी में देखने को मिलेगी, राजगीर में, जो कि 72 साल की उम्र में यानी कि आखिरी जो समय था अपने जीवन का पावापुरी में देखने को मिलेगा, यानी कि निर्वाण कल्याणक, जब सिद्ध बन गए प्राण शरीर ने आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वो आपको देखने को मिलेगी कब, एट पावा में, 72 साल की उम्र में। मुझे बताएंगे गौतम बुद्ध ने कौन सी उम्र में अपने प्राण त्यागे थे, आखिरी जो जीवन था गौतम बुद्ध का किस उम्र में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं सिंबल क्या था भाई, भगवान महावीर का सिंबल था लायन यानी कि शेर। उसके अलावा अदर नेम क्या थे, जीन जितेंद्रिया, समझ गए आप कि भाई इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, और निग्रंथ यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, निग्रंथ भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लेगा निग्रंथ का मतलब क्या है या फिर ठीक है इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कंटेम्प्ररी आपको मिलेंगे, गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी आपको भगवान महावीर देखने को मिलते हैं। कंटेम्प्ररी का मतलब समकालीन, इसका मतलब होता है कि एक समय में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आज हम सब लोग हैं तो पीएम मोदी है, तो पीएम मोदी और मुकेश अंबानी जो है ये दोनों समकालीन है, एक समय में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सन 1800 में थे और आज मुकेश अंबानी आपको मिलेंगे, तो यहां पर और हम जो हैं सब हम भी समकालीन हैं इन सब लोगों के। उसके अलावा जैन धर्म हमने बेसिक चीजें देख ली, अब यहां पर देखेंगे कि जैन धर्म की बेसिक टीचिंग्स क्या है, ठीक है, बेसिक टीचिंग्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे। बुद्धिज्म को भी जब हम स्टडी करेंगे या फिर किसी भी धर्म को आप स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। पहली बात कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका हमें पता नहीं, उनमें कुछ कौन कौन से धर्मगुरु या रिलीजियस लीडर हुए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। उसके अलावा उस प्रिंसिपल, उस धर्म की, उस फिलोसफी का कोर प्रिंसिपल क्या है, कोर टीचिंग्स क्या है वो जानते हैं, उत्पत्ति के कारण जानते हैं, डिक्लाइन के कारण जानते हैं। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या है, टीचिंग्स क्या है जैन धर्म के अंदर। तो पहली बात यहां पर भगवान में विश्वास है या नहीं इस चीज को जानते हैं। कहता है जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, एज अ क्रिएटर सर्वाइवर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत बारीकी से समझनी है क्योंकि बुद्धिज्म से यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। बुद्धिज्म की अगर बात करें तो बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्ध जब उपदेश देते हैं ज्ञान का तो वो भगवान का जिक्र नहीं करते। गौतम बुद्ध के ज्ञान में आपको भगवान का जिक्र नहीं मिलेगा, गॉड का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, ऐसे कि जैसे वो पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल संज्ञान में ही नहीं लेते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध क्रिटिसाइज करते हैं कि भगवान के होने को, गौतम बुद्ध इग्नोर करके चलते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को, मतलब वो रिकग्नाइज ही नहीं करते कि ऐसा कुछ है, वो बस अपने ज्ञान की सिंपल बातें करते हैं, कर्म करो ये करो वो करो, ठीक है, वो बस नॉर्मल अपना ज्ञान देते हैं। वहीं पर अगर बात करें जैनिज्म के अंदर तो जैनिज्म के अंदर भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन भगवान को यह माना गया है कि वो पूरी तरह से जैसे क्रिएटर डिस्ट्रॉयर इस तरह से नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पर जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं है ना ही उस पर साइलेंट है, बस ये है कि यहां पर जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनसे भगवान को कम प्रायोरिटी यहां पर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर भगवान को एक परफेक्शन बींग की तरह माना गया है, ठीक है, गॉड को ऐसे माना गया कोई परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट बींग है उसकी तरह, बींग वो इंसान से भी परे एक चीज है, ठीक है, कोई बींग है, परफेक्ट बींग है वो भगवान है। हाँ, उससे ऊपर आपको तीर्थंकर मिलेंगे। तो जिस तरह से बुद्धिज्म है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज ही नहीं करता, उसको मानता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जैनिज्म के अंदर भगवान जो है उनको मानते हैं लेकिन जो तीर्थंकर है उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, भगवान को तीर्थंकर से प्रायोरिटी कम मिलती है, ठीक है। और वेदों के अंदर आस्था नहीं है जैनिज्म की, ये बात हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। उसके अलावा कर्म के सिद्धांत पर यहां पर बिलीव करते हैं, ठीक है, जैन धर्म के अंदर कर्म के सिद्धांत पर बिलीव किया जाता है, और कर्म के सिद्धांत पर ही बिलीव करके ये माना जाता है कि यहां पर आत्मा जो होती है पिछले जन्म में जैसे कर्म होंगे उसी तरह से आपका पुनर्जन्म होगा, पिछले जन्म के जो आपके कर्म होंगे उसी से आपका इस जन्म का जो स्टेटस है वो डिसाइड होगा। अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी होगी, जब हम अगले और पिछले जन्म की बात कर देते हैं, कर्म पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्मों को डिस्कस करते हैं, और बीच में आपको क्या मिलेगा, बीच में मिलेगी आपको डेथ,
यानी कि व्यक्ति इस डेथ से पहले, ये जो डेथ का इवेंट हुआ किसी का, उससे पहले वाला जीवन और इस डेथ के बाद वाला जीवन में कुछ तो यहां पर मिला हुआ है, कुछ तो यहां पर लिंक्ड है। और वो क्या चीजें लिंक है? वो दो चीजें लिंक मिलेगी, एक तो लिंक मिलेगा सोल का और दूसरा मिलेगा कर्म का। ठीक है, कर्म का और सोल का आपको लिंक मिलेगा कि जन्म एक जीवन है, मृत्यु हुई और फिर अगला जीवन हुआ, उसमें यहां पर आत्मा जो है वो शरीर बदल रही है, तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल के अंदर जैनिज्म विश्वास रखता है कि आत्मा मृत्यु के बाद शरीर बदल लेती है, यह ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। तभी तो यहां पर कहा गया कि पिछले जन्म के कर्म आपके इस जन्म के इस जीवन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या जैनिज्म ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल आत्मा के शरीर बदलने में विश्वास रखता है? जी हाँ, बिल्कुल रखता है। क्या जैनिज्म आत्मा में विश्वास रखता है? बिल्कुल रखता है, आत्मा में भरपूर विश्वास रखता है जैनिज्म। बल्कि जैनिज्म आत्मा में इस हद तक विश्वास रखता है कि जैनिज्म कहता है कि जो भी लिविंग बींग्स है, यानी कि जो जीवित प्राणी है इस धरती पर, उनमें तो आत्मा है ही, बल्कि जो नॉन लिविंग बींग्स है, जैसे कि जहां पर आपको प्राण डायरेक्टली नहीं दिखते, वहां पर भी आत्मा है। तो जैनिज्म के हिसाब से हर एक चीज में आपको आत्मा देखने को मिलती है। तो जैनिज्म आत्मा में बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करता है, और आत्मा में बिलीव करता है। तो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल इस शब्द को पकड़ लेंगे, क्योंकि जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन, बुद्धिज्म में बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। इस शब्द को पकड़ लेंगे, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब होता है शरीर आत्मा बदल रही है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर माना जाता है कि भाई व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा नहीं बदलती, मरती और आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है, तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कर्म में भी विश्वास रखते हैं, आत्मा में भी विश्वास रखते हैं, और आत्मा के नए शरीर को धारण में भी विश्वास रखते हैं। उसके अलावा यहां पर वर्ण सिस्टम की अगर बात करें तो बुद्धिज्म जो है और जैनिज्म दोनों ही हीटरोडॉक्स यानी कि नास्तिक स्कूल से आते हैं। वर्ण व्यवस्था आपको वैदिक परंपरा में देखने को मिलती है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था पनपती हुई आपको नजर आती है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो बुद्धिज्म वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से डिस्कार्ड करता है, वर्ण व्यवस्था को ही डिस्क्रिमिनेशन को ही डिस्कार्ड नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था को ही खारिज करता है। बुद्धिज्म का कहना है कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन्मजात, यहां पर कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर है, सब इक्वल है। यह है बुद्धिज्म की फिलॉसफी। और वहां पर बुद्धिज्म कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देता है वर्ण व्यवस्था को और साथ में उसके आधार पर होने वाले भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन को। वहीं पर जैनिज्म जो है वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज नहीं करता। जैनिज्म वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, हाँ, लेकिन उस पर आधार पर होने वाले जो भेदभाव है, जो बुराइयां हैं समाज में, उसका जरूर कंडेम यहां पर करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे थोड़ा सा छोटा छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था जो है उसको बुद्धिज्म पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देता है, जैनिज्म वर्ण व्यवस्था को डिस्कार्ड नहीं करता, उसके आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को गलत मानता है। अब अगर यहां पर बात करें, कहता है टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के अंदर त्रिरत्न आपको यहां पर मिलते हैं, जिसके अंदर बेसिक जो टीचिंग्स हैं इसके अंदर आपको मिलेंगे त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यानी कि भाई यहां पर सही तरीके का, यानी कि राइट आपका फेथ हो, ठीक है, राइट आपका फेथ हो, जो आपके परसेप्शन हो वो उन पर, उनमें अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह का आपका फेथ हो। ठीक है, ज्ञान जो आपका है एक्यूरेट और सफिशियंट नॉलेज हो। ठीक है, सम्यक का मतलब ये नहीं कि सही, सही गलत तो कोई भी डिसाइड कर लेगा, ठीक है, अपने हिसाब से सबका सही गलत अलग अलग होता है। ठीक है, एक्यूरेट और सफिशियंट नॉलेज यहां पर हो। उसके अलावा सम्यक चरित्र, यानी कि बाकी लोगों को आप हार्म ना पहुंचाए, दुख ना पहुंचाए, वो आपको यहां पर त्रिरत्न देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न की बात करता है, लेकिन वहां के त्रिरत्न जो मिलते हैं वो है बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर बात करें बेसिक जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के अंदर, उनको एक बार यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि यहां पर कोई भी अगर जैनिज्म के अंदर जो तीर्थंकर होते हैं, ठीक है, त्रिरत्न अगर आपको, ये जो त्रिरत्न जो भी तीर्थंकर होते हैं उनको ये सारी चीजों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो यहां पर आपको ये जो त्रिरत्न अगर प्राप्त करने हैं तो आपको पंच महाव्रत ऑब्जर्व करने होंगे। अगर आपको जैनिज्म की जो टीचिंग है त्रिरत्न वाली, इनको अगर आपको प्राप्त करना है तो पांच महाव्रत आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ये पांच महाव्रत कौन से हैं? तो ये बेसिक टीचिंग्स हैं जैनिज्म की, ये बेसिक प्रिंसिपल हैं। जैसे कि आपको अहिंसा में विश्वास रखना होगा, अहिंसा यानी कि किसी को चोट नहीं पहुंचानी, वायलेंस वहां पर आपको नहीं करना, सत्य यानी कि सच बोलना है, सत्य बोलना है,
उसके अलावा अस्तेय, अस्तेय का मतलब कि चोरी चकारी आपको नहीं करनी है। उसके अलावा चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब नॉन पोजेशन, यानी कि ये नहीं कि भाई मैं ये भी अपनी जरूरत से ज्यादा आप चीजों को अर्जित करें, अपने पास कलेक्ट करके रखें, ठीक है, ये जो है इसे कहा गया अपरिग्रह, ठीक है। तो नॉन पोजेशन, ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप कुछ भी अक्वायर ना करें, ठीक है। और जैनिज्म के अंदर जो दिगंबर सेक्ट है वो अपरिग्रह को इस हद तक फॉलो करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कई जैन साधु आपको देखते हैं वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि अपरिग्रह में बहुत ज्यादा कड़ा विश्वास है, कपड़ों को भी पोजेशन माना गया है, कपड़ों को भी संपत्ति की तरह देखा गया है। तो कई जो जैन साधु होते हैं जो भगवान महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स पे चलते हैं वो कपड़े भी त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये पांच महाव्रत हैं बुद्ध जैनिज्म के अंदर, तो आपको ये पांच महाव्रत याद होने चाहिए पूरी तरीके से। प्रीलिम्स के अंदर तो पूछ ही सकता है, बल्कि आप इनको मेंस में, एसए में कई बार इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भारत के में अंदर फिलोसफीज जो हुई हैं, जैन फिलोसफी का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई अपरिग्रह, यानी कि लाइफ जब बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाती है, वेस्ट को अगर आप देखेंगे भारत में भी मटेरियलिज्म कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो जब शरीर को जरूरत से ज्यादा भोगने लगते हैं सारी चीजों को, सुख सुविधाओं को, तो वहां पर समस्या पैदा होने लगती है, ठीक है। तो यहां पर आप अपरिग्रह की जो फिलॉसफी है इसका एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि इंसान को नॉन पोजीशन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अक्वायर करने की टेंडेंसीज किसी को एक्सप्लॉइट भी करती है। जैसे अगर बात करें भारत की, भारत अगर कॉलोनी बना, विदेशी लोगों की कॉलोनी क्यों बना? क्योंकि वो लोग भारत में से ज्यादा रिसोर्सेज का खींच कर एक्सप्लॉइट करके अपने पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जमा करना चाहते थे। तो अपरिग्रह जो है बहुत सारी समस्याओं का कारण है। अपरिग्रह मतलब अपरिग्रह को फॉलो ना करना कई सारी समस्याओं का कारण है। तो अपरिग्रह का आप एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं, ये पांच चीजें आपको याद होनी चाहिए। कहा जाता है जो ये पांचवा प्रिंसिपल है ब्रह्मचार्य का, ब्रह्मचार्य का जो पांचवा प्रिंसिपल है ये भगवान महावीर ने जोड़ा, ठीक है। कहा जाता है कि ये पांचवा प्रिंसिपल भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, वरना उससे पहले चार ही प्रिंसिपल हुआ करते थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, ठीक है। पांचवा जो जोड़ा गया भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया, पेपर में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, पेपर में पूछ लेगा, याद रखेंगे पांचवा जो है वो भगवान महावीर ने जोड़ा। इसके अलावा यहां पर जैन फिलोसफी के अंदर आपको कुछ थ्योरीज देखने को मिलती हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पूछ लेगा कि भाई ये शब्द कीवर्ड जैसे कि अनेकांतवाद लिखा है, पूछ लेगा कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, तो अब तो आपको पता चल गया कि जैनिज्म से है। उसके अलावा आपको मेंस के अंदर, एसेस के अंदर, एथिक्स के अंदर आप इन चीजों को एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अहिंसा, अहिंसा आपको उपनिषदों में मिलेगी, बोलते हैं कि जैसे अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बोलें कि भारत जो है, भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में विश्वास रखता है, जहां तक भारत के एटॉमिक बॉम्ब की अगर बात करें, उसके अलावा भारत के जो लोग हैं विदेशों में अगर आप देखें तो गुडविल बेटर है बाकी देशों के मुकाबले। क्यों? भारत के लोगों को नॉन वायलेंट समझा जाता है। भारत की जो हिस्ट्री रही है, भारत ने कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अननेसेसरीली किसी पर अटैक नहीं करा। क्यों? भारत पुराने जमाने से अहिंसा की फिलॉसफी में विश्वास रखता आया है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने के बाद ही भारत के अंदर अहिंसा की फिलॉसफी पॉपुलर हुई। गांधी जी ने भारत के पुराने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर, यानी कि नए जमाने की स्थिति के हिसाब से गांधी जी ने भारत का पुराना ज्ञान लोगों को बता दिया। अब वो ज्ञान का था, वो था अहिंसा का ज्ञान, और अहिंसा का ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ किताबों में, कुछ फिलोसोफर्स के द्वारा नहीं मिलेगा। आपको हिंदुइज्म के अंदर उपनिषद में अहिंसा का ज्ञान मिलेगा, आपको जैनिज्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अहिंसा, उसके अलावा बुद्धिज्म पूरा अहिंसा के प्रिंसिपल पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, उसके अलावा हिंदुइज्म हो, उसके अलावा बाकी जो अन्य धर्म है, ठीक है, सिखिज्म, भारत से निकले हुए जितने धर्म है, सब में आपको अहिंसा कोर प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप बता सकते हैं कि भारत का नेचर आप बता सकते हैं। उसी तरह से आप बता सकते हैं कि अनेकांतवाद एक थ्योरी है जो कि इस्तेमाल हो, जो कि जैनिज्म के अंदर जिसका खास महत्व है। इसका मतलब क्या है? अनेकांतवाद बहुत खूबसूरत फिलॉसफी है। इसका मतलब है कि यहां पर साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अनेकांतवाद नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीफोल्डनेस की बात कर रहा है, एक से ज्यादा विचारों को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। यानी कि कोई भी चीज उसकी एक डायमेंशन नहीं है, उसका एक आस्पेक्ट, एक पहलू नहीं है, उसके कई सारे आयाम हैं, कई सारी डायमेंशन हैं, कई सारे आस्पेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी आपने दो साल पहले देखा होगा कि अहमद शाह अब्दाली के ऊपर मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त आपको रोल प्ले करते हुए मिलेंगे,
भारत अहमद शाह अब्दाली को अच्छे कारणों से याद नहीं रखता, क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जब भी भारत के अंदर आता था तो भारत में जबरदस्त तरीके से लूटपाट करके जाता था, दिल्ली को लूटता था, और सिर्फ लूटता ही नहीं था बल्कि गांव शहर बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी हो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मैसेकर होता था, होलसेल मैसेकर। तो अब्दाली को भारत के अंदर अच्छे कारणों से नहीं जाना जाता। लेकिन जब अब्दाली भारत से जो पैसा लूटकर अफगानिस्तान में जब जाता था तो वहां पर अपने राज्य में उसको खर्च करता था, अपने जो अपने उनके जो सब्जेक्ट थे अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था, टैक्स फ्री कर देता था, तो वहां के लोग उसको अच्छे कारणों से याद रखते हैं। तो उसमें कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि भाई अब्दाली को भारत ने, अफगानी लोगों को बुरा लगा कि भारत ने कैसे इसको अलग तरीके से दिखा लिया। तो ये चीज हमें बताती है कि हर चीज का अलग एक और आस्पेक्ट होता है कि जिसको हम अच्छे कारणों से याद नहीं रखते हैं, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो अफगानी लोगों के लिए एक हीरो है। ठीक है, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ भाई ये चीज होती है। तो ऐसे इससे क्या होता है, ये आप मल्टीपल डायमेंशंस को देखने की आपको आदत पड़ जाएगी, जो कि आपके अंदर टॉलरेंस लेकर आता है। कॉन्ट्राडिक्टरी भी अगर मान लीजिए एक कल्चर के अंदर किसी खास प्रकार की प्रथा को, व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियनिज्म जो है, ठीक है, अगर बात करें कि कहा जाता है कि वेजिटेरियन होना जो है, ठीक है, वो अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरी दुनिया ही वेजिटेरियन है। आपको नॉन वेजिटेरियन भारत के अंदर बहुत बड़ी आबादी आपको दिखेगी। तो अगर आप समझेंगे कि हाँ भाई ये भी एक आयाम है, खाने का दूसरा आस्पेक्ट है, कोई वेजिटेरियन है तो कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो ये एक और डायमेंशन है, आस्पेक्ट है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अनेकांतवाद फिलोसफी कहती है हर एक चीज के एक से ज्यादा आयाम है। ठीक है, तो यहां पर ये फिलोसफी कहती है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स आप इस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी देती है, टॉलरेंस यहां पर सहिष्णुता पनपती है। तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर ऐसी फिलोसफीज पहले से रही हैं, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नॉन वन साइडेडनेस और मैनीफोल्डनेस पर बात करता है, कहता है कि थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस, क्वालिटी एंड मोड, हर एक चीज के। और रियलिस्टिक प्लूरलिज्म भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रियलिस्टिक प्लूरलिज्म स्टेटमेंट के हिसाब से देख लेंगे ऐसे कि भाई हर चीज जो है कई सारे एटम्स से मिलकर बनी होती है, तो यहां पर कई प्रकार के एटम्स होते हैं और हर एक एटम में मान लिया गया कि एक आत्मा होती है, इंडिविजुअल सोल्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हर चीज के होते हैं। तो कहा गया है कि कोई भी जो चीज है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी हुई है, सबका अपना अलग अलग नेचर होता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर इसीलिए इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर चीज के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहां पर कहता है दूसरी जो थ्योरी मिलती है वो है स्यायवाद की। स्यायवाद यानी कि रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज की बात करता है स्यायवाद। कहता है कि ये जो है इसका मतलब है मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। यानी कि कोई चीज अगर होती है तो इसमें भी फिर वही वाली चीज हो गई, ये भी आपको एक डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन को समझने में मदद करता है। क्योंकि जब आप किसी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को खंगालेंगे, कोई एक आस्पेक्ट आपको किसी चीज का दिखा, आपने सोचा इसकी बस एक आस्पेक्ट तो नहीं हो सकता, इसका कुछ और आस्पेक्ट होगा, ऐसी भी आशंका है, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। तो यही जो प्रोबेबिलिटी को खंगालने का जो तरीका है इसे कहा गया स्यायवाद। ठीक है, और ऑल जजमेंट्स जो है, जितनी जजमेंट्स हैं सब रिलेटिव हैं, कुछ भी यहां पर एब्सोल्यूट बिल्कुल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, एक से ज्यादा आपको यहां पर चीजों के सही होने की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। ये फिर से आपको कहां पर लेके जाता है, मल्टीफोल्ड व्यू पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, उसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि पार्शियल स्टैंड पॉइंट की फिलॉसफी को कहा जाता है नयावाद। यानी कि यहां पर कि भाई किसी भी चीज को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पर फिर से यहां पर कोई भी चीज एब्सोल्यूट ट्रू नहीं होगी, पार्शियली ट्रू वो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हर चीज रिलेटिव होती है, नॉलेज रिलेटिव होती है। जैसे कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स की अगर बात करें तो कहीं पर अगर आप देखेंगे जैसे कि वेस्ट के कल्चर में और भारत के कल्चर में, अगर हम बोले भारत का कल्चर ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड आपको दिखेगा, जबकि वेस्ट का कल्चर आपको इंडिविजुअलिस्टिक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है वहां पर इंडिविजुअलिज्म है तो वो खराब सोसाइटी है, वो बेकार लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं, वो उनके कल्चर के हिसाब से है। ठीक है, उसके अपने फायदे नुकसान है, और ज्वाइंट फैमिलीज में रहना, फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज में चलना, उसके अपने फायदे नुकसान है। ठीक है, तो यहां पर आप रिलेटिवली आपको देखना होगा कि भाई अलग अलग कल्चर है, सही गलत कुछ नहीं है, चीजें रिलेटिव है। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें जैसे कि कोई भी चीज पूरी तरह से सत्य नहीं है, पार्शियल ट्रुथ है। ठीक है, अब ये बात कैसे, जैसे अगर हम ये बात बोले कि आज जो है चांद पर कोई फैक्ट्री नहीं है और कभी लग भी नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं बात बोलूं कभी लग भी नहीं सकती तो ये क्या सच बात है, हो सकता है आने वाले समय में लग जाए। जैसे अगर बात करें आज से पहले
लोग कभी नहीं सोचते होंगे कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा प्लेन होगा जिसमें 200 लोग एक साथ बैठकर हवा जहाज में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे। आज से 500 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। लेकिन अगर कोई उस समय बोलता होगा कि इंसान कभी आसमान में नहीं उड़ सकता, तो वो उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं था। आज हम देखते हैं बहुत सारी चीजें जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी, सत्य की मतलब वो सच भी नहीं हो सकती थी उस जमाने के हिसाब से। मजाक बना के छोड़ देते होंगे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि बाद में फिर वो चीजें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हर चीज जो है उसके वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती है। उसके अलावा यहां पर जैन धर्म से जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, उसमें सबसे फेवरेट चीज है जो एग्जामिनर की, वो है जैन धर्म के अलग अलग संप्रदायों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, अलग अलग सेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैन धर्म के अलग अलग संप्रदायों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहता है कि जैन धर्म के अंदर दो बेसिक आपको सेक्ट मिलेंगे, संप्रदाय, जिनका नाम आपने भी शायद सुना होगा। एक होते हैं दिगंबर जैन संप्रदाय और दूसरा है श्वेतांबर जैन संप्रदाय। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो सफेद कपड़ा पहन के रखते हैं। आपने कई जैन साधु संन्यासियों को देखा होगा जो सफेद कपड़ा पहन के रखते हैं। जैन साध्वियों को भी देखा होगा, सफेद कपड़ा, सफेद साड़ी, और चेहरे पे यहां पर एक कार्डबोर्ड की पत्ती से, धागे से उन्होंने अपने मुंह को भी ढका होता है, कवर किया होता है। और दिगंबर्स जो आपको साधु संन्यासी मिलेंगे, ये वो साधु संन्यासी हैं जैन धर्म के जो कि बिना कपड़ों के रहते हैं, पूरी तरह से कपड़ों को त्याग कर रहते हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर जैन साधु। और यहां पर श्वेतांबर भी आपको मिलेंगे। अब यहां पर अगर बात करें आखिर ये जो सेक्ट है जैन धर्म के अंदर, ये आखिर कब एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। हिस्टोरिकली इसका जिक्र मिलता है हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट प्रवण जो लिखी गई, ठीक है, ये परिशिष्ट प्रवण लगभग 1100-1200 AD के आसपास का जो टेक्स्ट है, ये अब तब लिखा गया था। और ये बताता है एक घटना के बारे में कि भाई मगध के अंदर एक भीषण अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, कब? भगवान महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद। ठीक है, भगवान महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद मगध के अंदर एक भीषण अकाल पड़ा था। लगभग 12 साल ये अकाल चलता है, ठीक है, 12 साल ये आकार चलता है, ये सूखा चलता है। तो 3rd century BC के अंदर, यानी कि 200 साल बाद अगर देखें, 3rd century BC के अंदर अगर बात करें कब की, 299 BC की बात ये यहां पर करती है, 299 BC से, ठीक है, 200 BC की ये बात करता है। ठीक है, तो इसमें पहले आएगा BC, ठीक है, 299 से 200 BC की बात करता है। अगर यहां पर बात करें इस बीच, क्योंकि इस समय मगध के अंदर आपको मौर्य साम्राज्य दिखेगा, कहता है इस जमाने में क्या होता है, सूखा पड़ता है मगध के अंदर और 12 साल का सूखा पड़ता है, तब ये विचार किया जाता है कि जैन धर्म को अगर बचाना है, कंजर्व करना है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे में ये माना जाता है कि जैन साधुओं की, जैन लोग हैं उसके अंदर जो जैन लीडर्स होंगे, इनके अंदर कुछ लोग जो है वो साउथ इंडिया में जाएंगे और कुछ यही मगध में रुकेंगे। तो कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि साउथ इंडिया में जाएंगे ताकि जैन धर्म को बचा रहे, और क्योंकि सूखा मगध के अंदर है, तो कुछ लोग माइग्रेट कर जाएंगे साउथ में। साउथ में जो लोग माइग्रेट करके गए, इनके जो लीडर थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु इनके लीडर हुआ करते थे। और जो लोग मगध में रुके, इनके लीडर थे स्थूल भद्र, या फिर कहीं कहीं पर स्थूल बाहु भी लिखा होगा। तो कहीं पर भी अगर ये लिखा जाए कि स्थूल भद्र या स्थूल बाहु, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये वो लीडर हैं जैन लोगों के जो कि मगध में रुक गए थे अकाल की स्थिति में, और भद्रबाहु वो जैन साधु हैं, वो लीडर हैं जो कि साउथ में माइग्रेट कर गए थे, ठीक है, साउथ इंडिया में माइग्रेट कर गए थे। अब जो भद्रबाहु की लीडरशिप में जब लोग गए साउथ में, 12 साल बाद जब ये मगध में वापस आए, ये साउथ वाले जितने भी जैन साधु संन्यासी और लोग थे अनुयायी, मगध में जब वापस आते हैं, तो ये देखते हैं कि जो यहां पर स्थूल बाहु या फिर स्थूल भद्र की लीडरशिप में जो लोग मगध में रुके हैं, ये अपनी कई प्रैक्टिसेस जैन धर्म को फॉलो करने की कई पद्धतियों के अंदर बदलाव कर चुके हैं। वो बदलाव क्या है? एक, जैसे कि सफेद कपड़ा पहनने लगे हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई जैसे कि मूर्ति पूजा भी यहां पर आपको होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि ओरिजिनल टीचिंग जो भगवान महावीर की थी उस पर आधारित नहीं है, ठीक है। जैनिज्म के अंदर मूर्ति पूजा नहीं थी, और उसके अलावा भगवान महावीर ने कपड़ों का भी त्याग कर दिया था, लेकिन यहां पर सफेद कपड़ा पहन रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सामने उभर कर आई स्थूल बाहु की लीडरशिप में, इसे कहा गया श्वेतांबर जैनिज्म, श्वेतांबर
जैनिज्म। श्वेतांबर क्यों? श्वेतांबर का मतलब सफेद कपड़ा पहनने वाले, श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनने वाले जैन साधु। अब ये जो स्कूल था, ये जैन फिलोसफी के हिसाब से देखें, भगवान महावीर के ओरिजिनल टीचिंग से थोड़ा हटकर समय के हिसाब से चीजों को चलाया, तो ये आप कह सकते हैं एक लिबरल फॉर्म ऑफ जैनिज्म यहां पर देखने को मिलता है। वहीं पर जब साउथ इंडिया से भद्रबाहु की लीडरशिप में जब लोग साउथ इंडिया गए थे, वो वापस जब मगध में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई चीजें बदल चुकी हैं, ये लोग कपड़ा भी पहन रहे हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा भी यहां पर हो रही है, तो ये कहते हैं कि भाई हम ओरिजिनल टीचिंग पर चलने वाले लोग हैं, हम ओरिजिनल टीचिंग पर चलने वाले लोग हैं और हम ना तो कपड़ा पहनेंगे ना मूर्ति पूजा करेंगे, हम महावीर की ओरिजिनल टीचिंग पर चलते हैं। और इन लोगों को कहा गया कि दिगंबर, दिगंबर। तो जो भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ में गए थे वो दिगंबर कहलाए, जो श्वेतांबर जो थे वो मगध में स्थूलबाहु की लीडरशिप में रुके वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर का मतलब होता है कि शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा, दिग का मतलब है आसमान, ठीक है, आसमान शरीर पर धारण किया हुआ है, कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, तो इससे आप याद रख सकते हैं दिगंबर का मतलब आसमान शरीर पर पहन रखा है, तो ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, और इसी को कहते हैं अपरिग्रह को, अपरिग्रह को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि कुछ भी कपड़ा जो है वो भी पोजेशन है, उसे भी त्याग दो, वो भी एक प्रॉपर्टी है, उसे भी त्याग दो। तो दिगंबर जो है भद्रबाहु की लीडरशिप में दिगंबर सेक्ट उभरता है और स्थूलबाहु या स्थूलभद्र एक ही बात है, इस इनकी लीडरशिप में श्वेतांबर सेक्ट आपको जैनिज्म का देखने को मिलता है। कब? जब यहां पर सूखा पड़ता है मगध के अंदर, और कब की बात है? 3rd century BC की बात है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बताया जाता है, क्योंकि 3rd century BC है और इस समय आपको मौर्यन काल देखने को मिलेगा, तो बताया जाता है कि भाई यहां पर साउथ इंडिया में इसी जमाने में आपको देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये भी जैन धर्म को अपना लेते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं और भद्रबाहु की लीडरशिप में, भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ इंडिया चले जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, संस्थापक थे, ये जैन धर्म को अपना लेते हैं अपने जीवन के आखिरी दिनों में और एक जैन साधु के रूप में भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ में चले जाते हैं और कर्नाटका के श्रवण बेलागोला में रहते हैं, कर्नाटका के श्रवण बेलागोला में रहते हैं। श्रवण बेलागोला कर्नाटका में एक जगह है जो कि जैन तीर्थ स्थान है, वहां पर रहते हैं और सल्लेखाना या संथारा प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उपवास करते हैं जब तक प्राण ना त्याग दें, ठीक है, जब तक प्राण ना त्याग दें तब तक उपवास करते हैं। तो पेपर में आपसे पूछ लेगा कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में बुद्धिज्म को अपना लिया, जैनिज्म को अपना लिया, आजीविका संप्रदाय को अपना लिया, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और अपनाया ही नहीं था, जैन साधु के रूप में साउथ इंडिया गए थे और वहां पर सल्लेखाना भी प्रैक्टिस किया था श्रवण बेलागोला में, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको एक और चीज पता चलती है, इससे एक चीज और पता चलती है कि साउथ इंडिया में जैनिज्म जो फैला उसके अंदर भद्रबाहु की लीडरशिप में जो लोग गए माइग्रेट हुए उसका भी एक बड़ा योगदान है। तो जब बात होगी कि साउथ इंडिया में जैनिज्म कैसे फैला, तो भद्रबाहु की वजह से साउथ इंडिया में जैनिज्म गया, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से वहां पर साउथ इंडिया में जब गए तो वहां पर जैनिज्म फैलता है, इसके अलावा जैनिज्म के साउथ इंडिया में फैलने के जो कारण है उनमें एक कारण यह भी बताया जाता है कि कलिंग शासक जो थे, कलिंग शासक थे राजा खारवेल, ठीक है, तो राजा खारवेल की मदद से जो कलिंग रीजन है वहां पर जैनिज्म फैलता हुआ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने संरक्षण जैनिज्म को दिया था, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, अब यहां पर बेसिक डिफरेंस क्या है जैनिज्म के अंदर और जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है वो अब आप यहां पर समझ सकते हैं। कहता है दिगंबर वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पहना, सिर्फ आसमान से ढके हुए हैं, इधर से श्वेतांबर जिन्होंने सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। भद्रबाहु की लीडरशिप में दिगंबर सामने आते हैं, स्थूलबाहु की लीडरशिप में आपको श्वेतांबर देखने को मिलते हैं। बिलीव्स क्या है, मान्यताएं क्या है, यहां पर एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट है कि भाई कपड़ा नहीं पहनना, ठीक है, अपरिग्रह, ठीक है। और एनलाइटनमेंट की अगर बात करें तो इनका कहना है कि जो भी ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, जो भी तीर्थंकर बन जाते हैं, उन्हें ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद, किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, यानी कि एक तरह से दिगंबर जो सेक्ट है इसमें तीर्थंकर को माना जाता है कि वो एक तरह से कोई सुप्रीम ह्यूमन के रूप में बन चुके हैं जहां पर भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। वहीं पर श्वेतांबर जो है ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लेते हुए दिखेंगे, इनका मानना है कि भाई कंप्लीट न्यूडिटी प्रैक्टिस करना, पूरे कपड़े त्याग देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहां पर जो भी ज्ञान की प्राप्ति यहां पर करते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको खाने की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि भूख वगैरह नहीं लगती, उनको खाने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा ये कहते हैं कि
14 वस्तुएं इंसान अपने पास रख सकता है, जो भी यहां पर जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति करता है ये 14 चीजें अपने पास रख सकता है, ठीक है। चलिए, यानी कि सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जैन साधु सन्यासियों की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर कहते हैं जैन साधु सन्यासी दिगंबर सेक्ट में अगर है तो उनको अपने पास कुछ नहीं रखना, कपड़े धारण ही नहीं करने, दो चीजें रखनी होती हैं बस, एक कमंडलू, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं लोटे टाइप का जो होता है कॉपर का बर्तन, वो रखना पड़ता है ताकि अपनी हाइजीन मेंटेन कर सके। उसके अलावा रजोहारना यहां पर रखना होता है। रजोहारना क्या होता है पेपर में आपसे पूछ सकता है। दरअसल क्योंकि नॉन वायलेंस के अंदर एब्सोल्यूट विश्वास रखा जाता है जैनिज्म के अंदर, तो जो दिगंबर सेक्ट है एक तो अपरिग्रह की वजह से कुछ भी अपने पास धारण नहीं करते, कपड़े वगैरह कुछ, लेकिन अपने पास मोर पंख की एक झाड़ू रखते हैं। मोर पंख की झाड़ू को रजोहारना कहा जाता है। यह इसलिए रखा जाता है ताकि अगर आप कहीं पर बैठ रहे हैं तो बैठते वक्त गलती से वहां पे कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर आपके नीचे दबकर वो मर ना जाए और गलती से भी वायलेंस कमिट ना हो जाए, तो इसलिए मोर पंख की झाड़ू से हटाया जाता है। कोई भी कीट पतंगा वहां पर आए तो उसको भी चोट ना लगे, सॉफ्ट झाड़ू से उसको हटाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दिगंबर सेक्ट के अंदर सभी 5 जो महाव्रत हैं उनका पालन करना होता है, सत्य अस्तेय अहिंसा अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो दिगंबर लोग 5 के 5 ब्रह्मचार्य को भी फॉलो करते हैं जो भगवान महावीर ने 5वां प्रिंसिपल जोड़ा था। वहीं पर श्वेतांबर जो साधु सन्यासी हैं ये सिर्फ 4 जो व्रत हैं उन्हीं का पालन करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा महिलाओं को लेकर क्या व्यू पॉइंट है दिगंबर सेक्ट में, क्योंकि कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं तो यहां पर माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो यहां पर लिबरेशन अटेन नहीं कर सकती हैं। महिलाएं जो हैं वो जैन साधु सन्यासी या तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं, जबकि श्वेतांबर के अंदर कहा गया है कि सबस्त्र मुक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति जैनिज्म के अंदर श्वेतांबर सेक्ट के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है, साधु सन्यासी सब बन सकता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें यहां पर, अभी हमने बात की कि श्रवण बेलागोला कर्नाटका में एक इंपॉर्टेंट जगह है, जैन तीर्थ स्थान है। ये जो जगह जानी जाती है ये जानी जाती है गोमतेश्वरा स्टैचू के बारे लिए, ठीक है। तो यहां पर गोमतेश्वरा स्टैचू आपको मिलेगा। ये गोमतेश्वरा स्टैचू कौन है, इनको भगवान बाहुबली भी कहा जाता है। तो भगवान बाहुबली की 57 फीट की आपको मूर्ति देखने को मिलती है श्रवण बेलागोला कर्नाटका के अंदर। भगवान बाहुबली कौन थे, दरअसल जो पहले तीर्थंकर थे लॉर्ड ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर, जिनको हम आदिनाथ, भगवान आदिनाथ भी कहते हैं, भगवान आदिनाथ के बेटे जो थे वो थे बाहुबली, जिनको हम गोमतेश्वर भी कहते हैं। तो गोमतेश्वरा का स्टैचू भगवान बाहुबली का स्टैचू है, जो कि भगवान ऋषभ देव के बेटे हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो स्टैचू है ये जैन धर्म का अंदर मोनोलिथिक स्टैचू है और एक सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जैन स्टैचू है, और पूरी दुनिया में मोनोलिथिक जो स्ट्रक्चर है उनमें सबसे ऊंचे स्ट्रक्चरों में से एक स्ट्रक्चर ये भी आपको देखने को मिलता है। ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा 983 AD में बनवाया गया था। लगभग आज से 1200 साल पहले इस स्टैचू को बनवाया गया था, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज है। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चवंद्रायन, ठीक है। तो चवंद्रायन ने इसको बनवाया था। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि भाई गोमतेश्वरा स्टैचू, श्रवण बेलगोला, उसके अलावा यहां पर किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सब आपसे पूछ सकता है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक हर 12 साल में एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, हर 12 साल में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, जैन धर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा अनुष्ठान है, उसका नाम है महामस्तकाभिषेकम, ठीक है, महामस्तकाभिषेकम, ठीक है। तो महामस्तकाभिषेक या फिर महामस्तकाभिषेकम, ये आपको जैन धर्म के अंदर हर 12 साल में होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो कि गोमतेश्वरा स्टैचू में होता है, जहां पर इनको कई सारे मिक्सचर जो होता है दूध और दही उन सब से नहलाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जैन धर्म के 2 सेक्ट तो आपने पढ़ लिए कि भाई श्वेतांबर और दिगंबर, लेकिन एग्जामिनर यहां पर आकर नहीं पूछ रुकेगा आपसे, ये तो बेसिक चीज है सब जानते हैं। वो इनके अंदर भी अलग अलग जो संप्रदाय बन गए, इसमें भी अलग अलग जो डिवीजन हो गए, उनसे आपसे क्वेश्चन निकलवाना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये 100% पता होने चाहिए पेपर में, क्योंकि पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात, ये शब्द जो है कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द जो है ये आपको दिगंबर सेक्ट में मिलते हैं, श्वेतांबर में मिलते हैं। तो मूल संघ जो है ये एक संप्रदाय है दिगंबर सेक्ट का, 20 पंथ ये भी दिगंबर सेक्ट में मिलेगा, 13 पंथ आपको यहां मिलेगा,
टारा पंथ या फिर समिया पंथ इनको कहा जाता है। उसके अलावा माइनर सबसेक्ट मिलेंगे गुमन पंथ और तोता पंथ। इधर आपको श्वेतांबर में मिलेंगे मूर्ति पूजक, स्थनकवासी और टेरापंथी। एक चीज याद रखेंगे, इधर सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, श्वेतांबर के तीन सेक्ट याद कर लेंगे। श्वेतांबर के तीन सेक्ट अगर आप याद कर लेंगे आपको पता चल जाएगा जो बचे हुए हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो बचे हुए हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहां पर बोले श्वेतांबर में तो मूर्ति पूजक, स्थनकवासी और टेरापंथी, ये तीन याद कर लेंगे। अगर बात करें दिगंबर और श्वेतांबर में, एक और डिफरेंस आपको देखने को यह मिलता है। दिगंबरों का यह मानना है कि जो असली जो टेक्स्ट था, जो लिटरेचर था, असली जो ग्रंथ है वो बहुत पहले खो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। जबकि श्वेतांबर का मानना है कि 12 जो अंग हैं और सूत्र हैं ये क्या हैं, ये पवित्र ग्रंथ हैं जैनिज्म के। तो जैनिज्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं 12 अंग, वो श्वेतांबरों के हिसाब से पवित्र ग्रंथ हैं। दिगंबर 12 अंगों को नहीं मानते हैं। दिगंबरों का मानना है ओरिजिनल टेक्स्ट बहुत पहले खो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 12 ग्रंथ आपको श्वेतांबर सेक्ट में देखने को मिलते हैं। सेक्ट की अगर बात करें सेक्ट में, तो यहां पर देखते हैं, कहता है श्वेतांबर जो है ये एक तरह का आपको श्वेतांबर के अंदर आपको रिफॉर्मिस्ट सेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्थनकवासी। श्वेतांबर जो जैन लोग हैं, जैसा कि हमने बात करी, मूर्ति की पूजा करने लगते थे। ठीक है, मूर्ति की पूजा करते थे, तो यहां पर एक संप्रदाय निकला श्वेतांबर के अंदर से जिसने रिफॉर्म की बात करी और उन्होंने मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज करा। ठीक है, टेम्पल कल्ट जो था उसको, टेम्पल बिल्डिंग को क्रिटिसाइज करा और इनको कहा गया स्थनकवासी। स्थनकवासी के जो फाउंडर थे, ये जो स्थनकवासी सेक्ट है इसके फाउंडर थे लोंका शाह। ठीक है, लोंका शाह, ठीक है, और लोंका शाह या फिर लोका शाह सेक्ट भी आपको बाद में फिर इसी के नाम से जाना हुआ देखने को मिलता है। तो स्थनकवासी जो सेक्ट है इसके फाउंडर कौन है, लोंका शाह या लोंका शाह, ठीक है, जो भी आपको दिखे। स्थनकवासी, स्थनकवासी क्या है, एक नॉन मूर्ति पूजा करने वाला सेक्ट है जो कि श्वेतांबर के अंदर ही एक रिफॉर्म के रूप में सामने आता है। उसके अलावा फिर क्योंकि स्थनकवासी मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते, तो यहां पर एक और फिर बाद में लोंका शाह जो ये सेक्ट है इसमें से एक और आपको सेक्ट निकलता हुआ मिलेगा जो कि वीराजी ऑफ सूरत के द्वारा बनाया गया। कि यहां पर इनका कहा गया कि भाई जो साधु संन्यासी है स्थनकवासी सेक्ट के अंदर, ये उतनी कठोर जीवन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो यहां पर आपको वीराजी साधु के द्वारा आपको यहां पर वीराजी के द्वारा यहां पर आपको अनदर रिफॉर्म होता हुआ नजर आता है। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर, तो कहता है 16th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, दिगंबर्स के अंदर आपको एक और सेक्ट निकलता हुआ दिखेगा। दिगंबर जो थे मूर्ति पूजा यहां पर नहीं करते थे, लेकिन दिगंबर के अंदर आपको विश्वपंथी या फिर बिसपंथी एक सेक्ट दिखेगा जिन्होंने भगवान की मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया और कुछ भगवान जैसे कि भैरव जो है वो मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अगेंस्ट में रिएक्शन में आपको तारापंथी जो सेक्ट है ये पैदा होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर इस फोटो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के अंदर बेसिक आपको दो शाखाएं मिलेंगी, एक है श्वेतांबर, दूसरी यहां पर जो है यह है दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर दिगंबर दो आपको मिल गई। श्वेतांबर में से आपको स्थनकवासी निकलता हुआ यहां दिखता है क्योंकि ये मूर्ति पूजा करते थे, श्वेतांबर मूर्ति पूजा करते थे, स्थनकवासी नॉन मूर्ति पूजा। स्थनकवासी में से भी एक और सेक्ट निकलता है टेरापंथी। तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक और स्थनकवासी और टेरापंथी ये सब आपको एक ही साइड में सारे सेक्ट मिलते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा दिगंबर में अगर बात करें, तो हमने देखा कि दिगंबर सेक्ट में एक बिसपंथी एक सेक्ट पैदा हो गया था जो कि भगवानों की पूजा करता था, जैसे कि भैरव भगवान की मूर्ति स्थापित वहां पर मंदिरों में करते थे। ठीक है, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर टेरापंथी भी आपको देखने, टेरापंथी कहा गया दिगंबर कुछ लोगों को। ठीक है, उसके अलावा टारापंथी आपको यहां मिलेगा और कांजी पंथ। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यापनिया भी एक जैन सेक्ट हुआ करता था जो कि दिगंबर्स में मर्ज हो गया था। कब? 14th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 1300 AD के आसपास यापनिया नाम का एक सेक्ट था जो कि दिगंबर में मर्ज हो गया था। अब इस चीज को याद रखेंगे भाई कि पेपर में पूछ लेगा यापनिया जो सेक्ट है यह आपको कहां मिलेगा, यापनिया संप्रदाय जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, या फिर बोल देगा ये शैविज्म का एक सेक्ट है। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर बोल देगा कि ये सेक्ट जो है दिगंबर में मर्ज हो गया था या दिगंबर में से निकला, इस तरह से आपसे बना देगा। तो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखेंगे। अब यहां पर कहता है कि जैन काउंसिल्स कुछ हुई थी उसको याद रखेंगे। काउंसिल्स क्या होती हैं?
समय समय पर किसी भी धर्म के अंदर अलग अलग विचारधाराएं पैदा होती हैं, अलग अलग मान्यताएं पैदा होती हैं, तो उनमें कोई मतभेद ना हो, उसको रिफॉर्म किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो इसलिए काउंसिल्स यानी कि बैठकें, मीटिंग्स होती हैं। तो कहता है पहली काउंसिल 300 BC में होती है, दूसरी 512 AD में होती है। पहली काउंसिल के चेयरपर्सन स्थूलभद्र होते हैं, पाटलिपुत्र में होती है, और यहाँ पर जैन धर्म के श्वेतांबर सेक्ट के 12 जो अंग जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल यहाँ पर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के जो 12 अंग है कब कंपाइल किए गए, तो पहली काउंसिल में स्थूलभद्र वो थे, पाटलिपुत्र के अंदर आपको मिलेंगे। सेकेंड काउंसिल आपको देवरधि में देवरधि शम सरमना के अंदर मिलेगा, वल्लभी के अंदर गुजरात में, और फाइनली कंपाइल हो जाते हैं 12 अंग और उप अंग, ठीक है। तो यहां पर फाइनल कंपाइलेशन हो जाता है 12 अंगों का। उसके अलावा अलग अलग शासकों ने जैन धर्म को अपनाया समय समय पर, इसलिए हमने बात करी जिस धर्म को शासकों का संरक्षण मिला है वही बचा रहा है, जैसे बुद्धिज्म को मिला, जैनिज्म को मिला, हिंदुइज्म को मिला, इसलिए आज ये धर्म आपको बचे हुए देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, हर्षवर्धन और खारवेल, ये सब वो शासक है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में जैन धर्म को संरक्षण दिया। साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे कदम्बा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अमोग वर्षा जो है राष्ट्रकूट शासक साम्राज्य के शासक हैं, और कुमारपाल आपको देखने को मिलेंगे चालुक्य साम्राज्य के। इसके अलावा अगर बात करें तो जैन धर्म के जो लिटरेचर है आपको दो हिस्सों में बटे हुए मिलेंगे, एक है कैनोनिकल और एक है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल टेक्स्ट वो होते हैं जिनको माना जाता है कि ये ओरिजिनल टीचिंग है, ठीक है, ऑथेंटिक टीचिंग माना जाता है। तो श्वेतांबरों के हिसाब से अगर यहां पर देखें, श्वेतांबर जैन धर्म में जाहिर सी बात है जो 12 अंग है उनको मानते हैं ओरिजिनल टीचिंग्स, ठीक है, और इनको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और ये प्राकृत भाषा में लिखा है। प्राकृत भाषा में भी एक फॉर्म ऑफ प्राकृत भाषा जो है वो है अर्ध मगधी। तो अर्ध मगधी के अंदर आपको 12 अंग जो है ये देखने को मिलेंगे, प्राकृत भाषा है, पेपर में पूछ लेगा कि भाई अर्ध मगधी में लिखे गए हैं, तो अर्ध मगधी बोले या फिर प्राकृत भाषा बोले एक ही बात है, क्योंकि अर्ध मगधी जो है ये प्राकृत भाषा का ही एक फॉर्म है। इसी में जैन धर्म आपको देखने को मिलेगा कि अपने ग्रंथ लिखता है, ठीक है। और फाइनल कंपाइलेशन सेकंड में हुआ था, सेकंड काउंसिल में, जिसमें आपको देवरधि शम सरना आपको यहां पर जो चेयरपर्सन है वो देखने को मिलेंगे वल्लभी के अंदर। उसके अलावा दिगंबर लोग जिसको ओरिजिनल टेक्स्ट मानते हैं, हालांकि इनका मानना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पहले खो चुके हैं, लेकिन फिर भी बाद में यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखे गए जिनको ये इंपॉर्टेंट मानते हैं, दिगंबर सेक्ट, वो 700 से 900 AD में लिखे गए, ठीक है, तो काफी लेट लिखे गए, और इन टेक्स्ट को रेफर करते हैं संस्कृत में लिखे गए, और इसमें आपको बेसिकली हिस्ट्री दिखेगी, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलोसफी और एथिक्स एंड रिचुअल्स से जुड़ा हुआ टेक्स्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ नॉन कैनोनिकल लिटरेचर मिलता है। ये नॉन कैनोनिकल क्या होता है? नॉन कैनोनिकल का मतलब जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, काफी अन्य जो टेक्स्ट हैं ओरिजिनल टेक्स्टों की कमेंट्री है, यानी कि उनसे डराइव करके लिखा गया है, उनसे निकाल कर किसी और ने लिख दिया, फिर उसकी कमेंट्री किसी और ने लिख दी, इस तरह से नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ये क्या है, कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन है अगम लिटरेचर के ऊपर, किसी और ने लिखा है, ओरिजिनल जो लिटरेचर है वो नहीं है, ओरिजिनल के ऊपर अलग अलग लोगों ने इंटरप्रेट करके लिख दिया, ठीक है। कई सारी भाषाओं में लिखे गए, ठीक है, जैसे कि प्राकृत में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, उसके अलावा कर्नाटका में, कन्नड़ में लिखे गए, ठीक है, जर्मन, तमिल, कन्नड़, हिंदी, ये सब सारी चीजों में लिखे गए, ठीक है। जैसे अगर बात करें गुजराती की, अगर बात करें तो यहाँ पे शीलभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया भारतेश्वरा बाहुबली। तमिल की अगर बात करें तो सिलप्पाधिकरम, ये संगम जमाने का एक टेक्स्ट है, ठीक है, संगम लिटरेचर में आपको काउंट होता हुआ मिलेगा सिलप्पाधिकरम, ये एक लव स्टोरी है, ठीक है, और इलंगो अड़िगल इसको लिखते हैं। उसके अलावा शिवगा सीतामणि, ये लिखा है थिरुत्तकेवट्टार ने, ठीक है। उसके अलावा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है कविराज मार्ग, अमोग वर्ष ने लिखा, अमोग वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे। उसके अलावा संस्कृत में यहां पर लिखा गया, ठीक है, उषावती ने लिखा गया तत्वरथ सूत्र यहां पर लिखा गया, और सोमदेव ने यस तिलका यहां पर लिखा गया। उसके अलावा प्राकृत में धवल लिखा गया बाय वीर सेनक के द्वारा। तो ये कुछ जो टेक्स्ट हैं इनको याद करेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि भाई ये किसने लिखे, या ये जैन टेक्स्ट है, बुद्ध टेक्स्ट है, इस तरह से आपसे पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमने बहुत सारी जानकारी ली है, कई सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिले हैं, कॉन्सेप्चुअल जानकारी हो या फिर फैक्चुअल जानकारी, इस पूरे सेशन में बहुत सारी जानकारी आपको मिली है जो कि जैन धर्म से पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं
वो उसका आंसर आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर बुद्धिज्म को कवर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो, बुद्धिज्म के बहुत सारे बेसिक बातों में जो बहुत कंफ्यूजन होती है उनको समझेंगे, टीचिंग समझेंगे, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कीवर्ड्स सबको समझेंगे बहुत डिटेल में। कोई भी डाउट बुद्धिज्म को लेकर जीवन में रहेगा ही नहीं नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देख ली। और बहुत वेटेज वाला ये चैप्टर है दोनों, जैनिज्म बुद्धिज्म, क्योंकि प्रिलिम्स हो मेंस हो सब में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है, चाहे आप उठा के देख लीजिए और इतिहास इसका गवाह है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।